केस। इंतजार करना होगा कि केस कौन जीतता है, इंसान या भगवान। मिस्टर गोपाल राव, क्या आप कोई वाजिब सबूत ला पाए? जज साहब, आज मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर यहाँ कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप बैठ जाइए। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कही हर बात सत्य है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कहां लिखा है? भगवद गीता। क्या आप गीता में विश्वास रखते हैं? अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। चौथा अध्याय 40वां श्लोक। ओह, और इसका अर्थ क्या है? जो भी शास्त्रों में विश्वास नहीं करता उसका विनाश होना निश्चित है। उसे कहीं भी भूलोक पर या यमलोक पर भी शांति नहीं मिलेगी। हेजे में घुसी बात। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। क्यों सिद्धा जी, सच में गीता समझते हैं या तोते की तरह इनकी बातों को रिपीट करते हैं? सर, ये प्रार्थना याद करने वाला स्कूली बच्चा है। आंखें बंद करके बस होंठ हिलाता है, बाकी सब जी मिलाते हैं, ये सिर्फ हाथ हिलाता है। साइलेंस। तू अधर्मी है, नादान है, एक सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है तूने। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें बड़ा पता है महाराज, क्या वहां भी ब्रांच खोल के रखी है? साइलेंस। साइलेंस। मेरा अपमान किया तूने, मेरा अपमान किया तूने। रिलैक्स, गुस्सा नहीं। पापी। अरे छोड़ो उन्हें। साइलेंस। छोड़ो उन्हें, मैं कह रहा हूँ। व्हाट इज दिस? पीछे पीछे। रुको, ऐसा नहीं कर सकता। साइलेंस। रुक जाओ। ऑर्डर। रिलैक्स। ऑर्डर। ऑर्डर। बैठिए पंडित जी, सिट डाउन। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए प्लीज। शांत हो जाइए। दुखेश्व न विघ्न मना, सुखेशु विगत स्प्रहा, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिर उच्चते। अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 56। इसका अर्थ है, जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो अपने क्रोध और भय को काबू कर सके और सभी जीवों में परमात्मा देख सके, वही साधु होता है। ये पाखंडी पंडित हमें क्या गीता सिखाएगा? मेरी दो बातें सुनके तो इसको गुस्सा आ गया था। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है सिद्धेश्वर जी? हम यहाँ ये प्रूव करने नहीं आए कि सिद्धेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष है कि नहीं। हमें इस बात पर प्रूफ चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हारी दुकान तोड़ी। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। रिलैक्स, रिलैक्स। स्वामी जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? भगवद गीता एक भगवान की देन है? हाँ। यानी उसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है, उसका हर अक्षर? प्लीज इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर। एक तत् योनिनी भूतानि सर्वानि उपधार्याया अहम् कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलहस्त तदा। ये तो पढ़ा होगा। भगवत गीता के अध्याय 7 विज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण ने स्वयं लिखा है। गीता पढ़ाने वाले से ऐसे सवाल पूछकर उन्हें दुखी कर रहे हो? आपको दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा स्वामी जी, लेकिन अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। संसार के पंच तत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का आरंभ मैं, अंत भी मैं, कारण भी मैं हूं। आप हो ईश्वर। वेरी गुड, इसे भी प्लीज नोट करें योर ऑनर। इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए सर, इसकी सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। गतर भरता प्रभु साक्षी निवाशा शरणम सुहृता प्रवह प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम।
अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और सबको शरण देने वाला मैं हूँ। रचयिता भी मैं हूँ और प्रलय लाने वाला भी मैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं हूँ। खुद भगवान ने गीता में इसे कहा है। यही है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जिसे कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर मांगा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवत गीता में से कुछ लाइंस अदालत को सुनाकर ये उसे प्रूफ के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस किताब में कहीं भी श्री कृष्ण का सिग्नेचर है? आप इस पवित्र ग्रंथ को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं जिस पर हाथ रखकर हर गवाह अदालत में सच बोलने की शपथ लेता है? Objection, Your Honor. Objection overruled. कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जो दोनों जहां का मालिक है। अल्लाह ही है जो कायनात चलाता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सही बात है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। बाइबल में भी यही बात दोहराई गई है। चैप्टर 54 वर्सेस 16, आई हु क्रिएटेड हैव आल्सो क्रिएटेड द रेवेजर टू डिस्ट्रॉय। जज साहब, तीनों बातों का अर्थ एक ही है। मेरी दुकान को तोड़ने वाला भगवान ही था। दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। गॉड को अपने इन सब पीड़ितों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। अपने किए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। हर्जाना तो इनके सेल्समैन को भरना होगा। आपको जो सबूत चाहिए थे वो मैंने आपको दे दिया योर ऑनर। अब आपको न्याय करना है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस को किसी अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन किस लिए? अगर भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करने से बच जाएगी। बातें करते हो, रिलैक्स। क्लेम दिलवाना चाहते हो क्या? दुकान की मरम्मत के पैसे हमसे दिलवाना चाहते हो? कहाँ हो ईश्वर? धर्म दांव पर लगा है, अन्याय का विजय हो रहा है। आओ मुझ में समा जाओ ईश्वर। आओ, समझा? मैं कहता हूँ आओ। हमें न्याय चाहिए इस धरती पर। आओ ईश्वर, आकर मुझ में समा जाओ। आते क्यों नहीं ईश्वर? चुप क्यों हो ईश्वर? अपना चमत्कार दिखाओ। आओ ईश्वर, मुझ में समा जाओ। Quiet everybody, sit down, sit down. हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस पापी का अंत करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति दो मुझे। हाँ हाँ, अब आप सबको हर्जाना मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, हम सबकी जीत हुई है सर। गोपाल जी, गुरु जी, देखो गोपाल भाई को क्या हो गया। गोपाल भाई, आने दो, जल्दी करो, एम्बुलेंस को आने का रास्ता दो। गरीब जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करने वाले गोपाल राव को किसी अज्ञात व्यक्ति ने भरी अदालत में चाकू मार दिया। क्या यही है देश का कानून? रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं उनकी पत्नी हूँ। अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप चाहें तो डॉक्टर से मिल सकते हैं। मुझे एक बार उन्हें देखना है कि कैसे हैं वो। उनकी तबीयत कैसी है? He's in critical condition। ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो अब कोमा में चले गए हैं। ये एक इंसान की ईश्वर से लड़ाई नहीं है, उन अंधविश्वासियों से है। लोग पाखंडियों को भगवान मान लेते हैं। हमें सही रास्ता दिखाने स्वयं ईश्वर ने इसे दूत बनाकर भेजा है। भ्रमितों को सही राह पर लाना उसका ध्येय है। गोपाल एक संत है। He is messenger of God. Thank you. उसके शब्दों को क्यों ना सच बना दें? भगवान गोपाल राव बाबा नहीं समझे, उसे ईश्वर का दर्जा देंगे तो भक्ति जीवित रहेगी। उसे भगवान का दर्जा देंगे और उसकी
भक्ति को अपना व्यापार बना देंगे। वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। होगा, जिंदा रहा तो मना करेगा, मरने पर ईश्वर बन जाएगा। हम बनाएंगे स्वाहा अहम ब्रह्मास्मि। धार्मिक गुरु लीलाधर ने गोपाल राव को संत का दर्जा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि एक्ट ऑफ गॉड के विक्टिम्स को वो अपनी तरफ से आर्थिक मदद देंगे। इनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही, ईश्वर को साक्षी मान के आज घोषणा करता हूँ, गोपाल के सपने मैं पूरे करूँगा। He's on ventilator. भगवान पर भरोसा रखो। मित्रवर, आंखें खोलो। मोटा भाई तुम्हें मीनाक्षी और मोक्ष कैसे? कोर्ट का फैसला क्या था? पक्का मैं जीता हूंगा, अब मरने का अफसोस नहीं होगा। मौत सामने खड़ी है फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है? सॉलिड बंदा है रे तू, तू फिट हो जाएगा, टेंशन रखो क्यों। क्या मामू, अपुन तेरे पास आया, तू अपुन के पास आना चाहता है? हाँ, काय करणार वरती? सिर्फ भगवान ही मरते हुए इंसान के साथ मजाक कर सकता है। यू मस्ट बी गॉड। मेरी मृत्यु के समय मेरा दोस्त मेरे साथ है। थैंक यू मोटा भाई। तेरे को कुछ नहीं हुआ है, तू खुद ही देख ले। कुछ लोग मेरा अस्तित्व मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, पर तुम्हें तो मेरे होने पर ही संदेह था। आओ। कृष्णा,